सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विशाल और आप देख रहे हैं छोटे विशाल टेक। तो दोस्तों, आपने मेरे टाटा एलियन थंबनेल देख लिया। आज मैं बताऊंगा कि आप लोग ईएमआई की स्मार्ट टीवी सिस्टम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो आप लोग भी टीवी चलाते होंगे, बार बार नोटिफिकेशन आ जाता होगा क्योंकि सिस्टम अपडेट कैसे, यहाँ पे सिस्टम अपडेट के लिए बार बार आपके पास नोटिफिकेशन आता होगा। तो बहुत दिनों से मेरे पास भी आ रहा था, तक मैंने सोचा क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को भी बताएं और उनके पास भी। देखिए, आज एक ऐसा डिजिटली जमाना आ चुका है और जैसे कि सारी चीज़ें डिजिटलाइट हो रही हैं, और जैसे कि मैंने इसमें वाईफाई कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए, बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, फिर देखते हैं सिस्टम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉपर तरीके से आप बिल्कुल देखना, और जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है, और यहाँ पे देखिए अभी भी सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए मूवी होम्स पे जाते हैं हम जैसे, तो यहाँ पे होम्स पे जाने के बाद में सारे यूट्यूब, जियो, नेटफ्लिक्स, सारा कुछ आ रहा है। आने के बाद में अभी यहाँ पे हम चलते हैं सीधे, आपको यहाँ पे थ्री देखिए डॉट डॉट जहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, आपको वाईफाई के पास में सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सेटिंग के ऑप्शन पे इस रिमोट से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, सभी लोगों को कन्फ्यूज़न है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, उसी प्रकार से हमें इसे भी अपडेट करना पड़ता है समय समय के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे जैसे मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे की ओर आया, नीचे की ओर आते रहे, आने के बाद में यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंस जैसे लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। डिवाइस प्रेफरेंस पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अबाउट सेक्शन आपको दिख रहा होगा, अबाउट सेक्शन पे जैसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ चुका है। सिस्टम अपडेट के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए चेक इन, यहाँ पे डाउनलोड पे जैसे मैंने क्लिक लगा दिया, लगाने के बाद में डाउनलोड प्रॉपरली होने लगी। देखिए अब यहाँ पे 767 MB का है, यहाँ पे अपडेट हो जाता है। फिर मिलता हूँ आपसे। तो फाइनली इतना हो चुका है, और अभी इतना क्लियर करना है 267 MB का। फर्स्ट स्टेप, टू स्टेप, इम्प्रूव द सिस्टम्स, ठीक है, अपडेट द गूगल सर्च पेज, पुश कर देंगे तो पुश हो जाएगा, रुक जाएगा तो यहाँ पे अपडेट होने देते हैं। जब तक अपडेट होगा फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली देखिए कंप्लीट होने वाला है, जैसे कि 767 MB, अराउंड आधा घंटे से भी ज़्यादा लग गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी प्रोसेसिंग चल रहा है, सिस्टम अपडेटिंग पर इंटेलिंग इंस्टॉलिंग स्टेप टू स्टेप, ठीक है, स्टेप टू स्टेप कंप्लीट हो गया। जैसे कि स्टेप जो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ आ गया। अब यहाँ पे मैंने फिर से बटन दबाया, बटन दबाने के बाद में रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आया, तो आप लोग भी देख सकते हैं। ये देखिए अब दोबारा से यहाँ पे कंटिन्यू चालू हो रही है टीवी। अब बार बार सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा और नहीं आएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।